ये कहानी है एक नीलम नाम की लड़की की, जो अपनी माँ संध्या और अपनी छोटी बहन कोमल के साथ एक जोधपुर नामक गांव में छोटे से घर में रह रही होती है। जोधपुर गांव एक बहुत बड़ा गांव था, जिसमें बहुत सारे परिवार रहते थे। गांव के सभी लोग बहुत ही दयालु, ईमानदार और मदद करने वाले थे। इसी तरह गांव में सभी लोग अपने अपने दिनचर्या करते और शाम को खाना खाकर सो जाया करते। वहीं नीलम के परिवार में भी नीलम अकेली कमाने वाली लड़की थी। नीलम 10 साल की थी जब उसके पिता सुनील का देहांत हो गया था। उसके बाद से नीलम ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव के लोगों को तीज त्योहार और शादी ब्याह में मेहंदी लगाना शुरू कर दी थी है। नीलम को बहुत ही सुंदर मेहंदी लगानी आती थी। गांव की सभी औरतें नीलम से ही मेहंदी लगवाती थी। त्योहार और शादी ब्याह के समय नीलम के पास बहुत भीड़ होती थी। नीलम मेहंदी लगाकर जो भी पैसे इकट्ठा करती थी, उन पैसों से वो अपने घर का खर्चा और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाया करती थी। नीलम की माँ संध्या घर के काम करती थी और उसकी बहन कोमल स्कूल पढ़ने जाया करती थी। स्कूल से आने के बाद वो घर पर ही पढ़ाई करती थी। इसी तरह करवा चौथ का त्योहार करीब आ रहा था। गांव की सभी औरतें नीलम के पास मेहंदी लगवाने आ रही थी। नीलम के पास पहले से ही बहुत सारे ग्राहक बैठे हुए थे कि तभी नीलम की चाची उसके पास आती है और कहती है, अरे नीलम, तेरे पास तो बहुत सारे ग्राहक बैठे हैं। मैं सोच रही थी कि तेरे पास आकर तुझसे मेहंदी लगवा लेती, परंतु मुझे लग रहा है तेरे पास तो समय ही नहीं है। बता दे मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं अपने घर के काम वाम खत्म करके फिर से आ जाऊंगी। हाँ चाची, ग्राहक तो बहुत सारे बैठे हैं और मेहंदी भी बहुत धीरे धीरे लगा पा रही हूँ, इसलिए आप 4-5 घंटे के बाद ही आना। तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर आपको मेहंदी लगा दूंगी। क्या कहा, 4-5 घंटे के बाद? तू जानती है ना तेरे चाचा कितने गुस्से वाले हैं। एक काम कर, तू पहले मुझे मेहंदी लगा दे, मैं काम बाद में कर लूंगी। चाची, अगर मैं फ्री होती तो मैं आपको जरूर मेहंदी लगा देती, परंतु आपसे पहले यहाँ पर कितनी सारी औरतें बैठी हैं। अगर मैं आपको मेहंदी पहले लगा दूंगी तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपके पास जब समय हो आप आ जाना, मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। इतना कहकर नीलम अपने ग्राहकों को मेहंदी लगाने में लग जाती है। और उसके बाद नीलम की चाची अपने मन में कहती है, अरे देखो तो लड़की की जुबान कितनी तेज चल रही है, पता नहीं किस बात के इतना तेवर है, मेहंदी ही तो लगाती है, तो क्या हो गया, कहीं और जाकर लगवा लूंगी। नीलम की चाची इतना कहते कहते आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर नीलम की चाची वापस अपने घर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। यहाँ नीलम एक एक करके ग्राहकों को मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। मेहंदी लगाते लगाते रात के 2 बज जाते हैं। तभी नीलम की बहन कोमल आती है और कहती है, दीदी रात के 2 बजने वाले हैं, आपको भूख नहीं लग रही है क्या? आप एक काम करो, आप खाना खा लो, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, उसके बाद आप मेहंदी फिर से लगा लेना। हो गया कोमल, अब बस मैं उनके हाथ में मेहंदी लगा दूँ, उसके बाद खत्म। उसके बाद अब मैं कल ही मेहंदी लगाऊंगी, तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह उठकर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। नीलम अपनी बहन कोमल को सोने के लिए कमरे में भेज देती है और उसके बाद आखिरी ग्राहक को मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के बाद नीलम अपना मेहंदी लगाने का सारा सामान समेट लेती है और घर का दरवाजा लगाने ही वाली होती है कि तभी परीलोक से एक परी नीलम से मेहंदी लगवाने के लिए आती है। अरे सुनो सुनो, मुझे भी मेहंदी लगवानी है, क्या तुम मुझे मेहंदी लगा दोगी? नीलम को नहीं पता होता कि वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो परीलोक से आई एक परी है। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप कल आ जाइएगा, मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। देखो सुबह के 4 बज गए हैं, प्लीज मुझे मेहंदी लगा दो ना, मैं बार बार यहाँ इतनी दूर नहीं आ सकती हूँ। मैंने आज तक अपने हाथों पर कभी मेहंदी नहीं लगवाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं तुमसे ही मेहंदी लगवाऊँ। नीलम वापस अपना मेहंदी लगाने का सामान बिछा लेती है और परी को मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें अपनी मेहंदी लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए मेहंदी लेकर आई हूँ, तुम्हें बस इस मेहंदी को मेरे हाथों पर लगाना है।
परी की ये बात सुनकर नीलम वापस मेहंदी का सामान घर में ही रख लेती है और परी की लाई हुई मेहंदी परी के हाथों पर लगाने लगती है। परी को मेहंदी लगाते वक्त नीलम ये महसूस करती है कि मेहंदी तो बहुत ही जल्दी जल्दी लग रही है और डिजाइन भी बहुत अच्छा अच्छा बन रहा है। अरे ये मेहंदी की कीप तो बहुत जल्दी जल्दी चल रही है और ऐसा लग रहा है जो डिजाइन मेरे दिमाग में है वो डिजाइन ये मेहंदी अपने आप हाथों के ऊपर उतार रही है। ये सब सोचते सोचते नीलम परी के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। मेहंदी लगाने के बाद वो घड़ी की तरफ फिर से देखती है। वो देखती है कि आधे घंटे में उसने परी के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी है। ये मेहंदी की कीप तो बहुत ही अच्छी है, आपने ये मेहंदी की कीप कहाँ से ली? ये तो बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, मुझे ऐसी ही एक कीप चाहिए ताकि मैं कम समय में ज्यादा लोगों को मेहंदी लगा सकूं और पैसे कमा सकूं और अपनी बहन को अच्छी शिक्षा दिला सकूं। नीलम जब ये सारी बातें परी से कहती है तो परी मन ही मन बहुत हंसती है। नीलम, मैं परीलोक से आई हुई एक परी हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मेहंदी लगवाने आई हूँ। मेरे पास मेहंदी लगाने के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये मेहंदी दे रही हूँ। ये कोई मामूली मेहंदी नहीं है, ये एक जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाते समय तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये मेहंदी कभी भी खत्म नहीं होगी। मुझे माफ कीजिएगा, वो मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो आपने मेरी मदद की। नीलम, तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो, तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है, तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी इस खराब स्थिति में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इतना कहकर परी वापस से परीलोक चली जाती है और नीलम परी की दी हुई मेहंदी लेकर अपने घर में चली जाती है और खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद नीलम सो जाती है। सुबह उठते ही नीलम फिर से ग्राहकों को मेहंदी लगाने लगती है। क्योंकि मेहंदी जादुई थी इसलिए सभी को जल्दी जल्दी मेहंदी लग रही थी। नीलम अपनी चाची को भी मेहंदी लगा देती है। नीलम के हाथों की मेहंदी देखकर उसकी चाची बहुत खुश हो जाती है और इस तरह गांव के सभी लोग करवा चौथ का त्योहार मना लेते हैं। करवा चौथ का त्योहार खत्म होने के बाद ही शादी का सीजन शुरू होने वाला था। अभी भी नीलम के पास मेहंदी लगवाने के लिए एक दो ग्राहक आ जाया करते थे। इसी तरह नीलम ग्राहकों को मेहंदी लगा देती थी और पैसे कमा लेती थी। एक दिन नीलम के घर पर एक सेठानी आती है और कहती है, नीलम मैं शहर से आई हूँ और मैं तुम्हारे मेहंदी के चर्चे बहुत सुने हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे सैलून में आकर ब्राइडल मेहंदी लगाओ जिसकी तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप मेरे लिए इतना कुछ सोच रही हैं। मैं आपकी ब्यूटी पार्लर में जरूर मेहंदी लगाऊंगी। और इसके बाद से नीलम शहर के एक बड़े से सैलून में लोगों को मेहंदी लगाने लगती है और नीलम ब्यूटी पार्लर के और भी कोर्स कर लेती है। अब नीलम एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बन गई थी। अब नीलम की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई थी। नीलम ने अपनी बहन को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनवाया जिसमें वो अपनी बहन और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। रौनकपुर गांव में हरिया और तुलसी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा किया करते थे। लालसा उनकी इकलौती संतान थी। हरिया और तुलसी अपनी बेटी लालसा से बहुत अधिक प्रेम करते थे और लालसा को हमेशा खुश रखने की कोशिश में लगे रहते थे। एक बार की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। लालसा अपने सहेलियों के साथ खेल ही रही थी तभी काजल हाथ में एक सुंदर सा गाउन लेकर वहां आई और बोली, ये देखो मेरा नया गाउन। ये गाउन मेरे बाबा ने शहर से मेरे लिए खरीदा है। ये बहुत ही महंगे और सुंदर गाउन है। मैं तो इस बार इसी को पहनकर मेला देखने जाऊंगी। अरे वाह काजल, तुम्हारा गाउन तो बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं भी अपने बाबा से बोलकर नया गाउन खरीदवाऊंगी। गाउन? वो भी तेरे बाबा?
तेरे बाबा तेरे लिए गाउन कभी नहीं लाएंगे। वो क्यों भला, क्यों नहीं लाएंगे? मेरे बाबा मेरी हर विश पूरी करते हैं। करते होंगे, पर वो तुम्हें गाउन कभी नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। तुम्हारे पिताजी हमारे खेतों में काम करके तुम सबका पेट भरते हैं। तुम लोगों के लिए यही काफी है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम जो चाहे खरीद सकते हैं। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तुम सिर्फ मेरा गाउन देख सकती हो, ले नहीं सकती। मैं गाउन लूंगी, तुम बस देखती रहो, मेरे बाबा जरूर मुझे गाउन दिलवा देंगे। ये सुनकर उसकी सारी सहेलियां हंसने लगती है और लालसा गुस्से से घर आ जाती है। लालसा को गुस्से में देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हो गया मेरी गुड़िया रानी को, ये चांसा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों है? माँ, काजल के पास बहुत ही सुंदर गाउन है और वो बोल रही है मेरे बाबा मेरे लिए वैसा गाउन कभी नहीं खरीद सकते। लालसा बेटा, तू तो बहुत समझदार बच्ची है ना, तुझे तो पता है तेरे बाबा कितनी मेहनत करके घर चलाते हैं, और गाउन तो बेटा बहुत ही महंगा आता है ना, हम भला उसे कहाँ से खरीद पाएंगे? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे गाउन चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते लालसा बेटा। लेकिन लालसा अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती, तभी उसके बाबा भी घर आ जाते हैं। अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाइए, काजल का गाउन देखकर उसकी तरह ही गाउन लेने का जिद कर बैठी है। ये सुनकर हरिया अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है, लालसा बेटा, मेले में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? जलेबी। मेला घूमने और जलेबी खाने के लिए नए गाउन की क्या जरूरत है? चलो मैं आज तुम्हें मेला घुमाकर लाता हूँ, और मेला में मैं तुम्हारी पसंद की जलेबी भी खिलाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे कोई जलेबी नहीं खानी, मुझे तो बस मेरा गाउन चाहिए। आप कुछ भी करो, मेरे लिए कहीं से भी गाउन ला दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लालसा जिद पकड़ बैठी थी कि उसे किसी भी कीमत पर गाउन चाहिए ही चाहिए। हरिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो गाउन खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से लेकर आए। अगले दिन हरिया अपने एक दोस्त के घर गया। रामू भाई, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अगले महीने ही तुम्हें लौटा दूंगा। इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं है हरिया, मेला घूमने के लिए मेरी पत्नी भी कई दिनों से पैसों के लेकर मुझसे झगड़ रही है, पर मेरे भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? ये सुनकर हरिया बहुत निराश होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं लालसा की माँ, कहीं से पैसे नहीं मिले, अब मैं अपनी बेटी के लिए गाउन कहाँ से लेकर आऊँ? जब पैसे है ही नहीं तो उसकी हर्जित पूरी करनी जरूरी नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है, उसे घर की हालत समझनी चाहिए, आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। लालसा वहीं दूर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। अपने माँ बाबों को इतना परेशान होता देख वो उनके पास आकर कहती है, बाबा अब मुझे कोई गाउन नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। ये हुई ना बात, तो मेरी समझदार बेटी है। उस दिन लालसा उदास थी क्योंकि उसे गाउन चाहिए था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उसके बाबा के पास तो पैसे है ही नहीं। अगले दिन लालसा कुएं पर पानी भर रही थी और सोच रही थी, मेरे माँ बाबा इतने गरीब क्यों हैं? काजल ने सच ही कहा था, मैं गाउन कभी नहीं पहन पाऊंगी। काश जादुई कहानियों की तरह ये कुआं भी जादुई होता, फिर तो मैं इस कुएं से जादुई सुनहरा गाउन मांगती। क्या तुमने मुझे पुकारा है प्यारी लड़की? कौन कौन है यहाँ? मैं एक जादुई कुआं हूँ, तुमने अभी अभी मुझसे एक सुनहरा गाउन मांगा था ना, यह लो, यह रहा तुम्हारा सुनहरा गाउन। कुआं के इतना बोलते ही लालसा के हाथ में एक सुनहरा सा गाउन आ जाता है। यह कोई साधारण गाउन नहीं है, यह एक जादुई गाउन है, तुम इसे जिस रंग में चाहो उस रंग में बदल सकती हो। क्या सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। लालसा सुनहरी गाउन को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने माँ बाबा से जादुई सुनहरी गाउन के बारे में सब बताती है। भला ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही हुआ है माँ, हमारा कुआं जादुई है। फिर लालसा अपने माँ बाबा के साथ कुएं के पास आकर कुएं को आवाज लगाती है, जादुई कुआं, जादुई कुआं।
लेकिन जादुई कुएं में से कोई आवाज नहीं आती। मुझे तो यह कुआं बिल्कुल भी जादुई नहीं लग रहा। लालसा, सच बताओ, यह गाउन तुम्हें किसने दिया? बाबा, मैं सच कह रही हूँ, ये गाउन मुझे इसी कुएं ने दिया है, और ये भी कहा था मैं जैसा चाहूँ वैसे रंग में इसे बदल सकती हूँ। एक मिनट रुको, जादुई गाउन लाल रंग का हो जा। लालसा के इतना बोलते ही सुनहरा गाउन लाल हो जाता है। ये देखकर हरिया और तुलसी दोनों हैरान रह जाते हैं। ये गाउन चाहे जहाँ से भी आया हो, आखिर है तो जादुई ही। इसे पाकर मेरी बेटी खुश है, उसी में हम भी खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, आखिर मुझे गाउन जो मिल गया। अगले ही दिन लालसा उस गाउन को पहनकर मेला घूमने गई। लालसा के गाउन को देखकर उसकी सारी सहेलियाँ लालसा की खूब तारीफ कर रहे थे। वहीं घमंडी काजल लालसा के गाउन को देखकर जल रही थी। वहीं लालसा हर रोज गाउन का कलर बदल बदल कर उसी गाउन को रोज पहन रही थी। ये देखकर काजल बहुत परेशान हो जाती है। आखिर इस गरीब के पास इतने सारे गाउन कहाँ से आ गए? तो ये हर रोज नई नई गाउन पहन रही है, आज तो मैं इसके सारे गाउन चुरा ही लूंगी। जादुई सुनहरा गाउन चुराने के इरादे से काजल आधी रात को लालसा के घर जाकर उसका गाउन चुराकर भाग रही थी, तभी वह कुएं में जाकर गिर गई और डूबने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचा लो, वरना मैं इस कुएं में डूब जाऊंगी, बचाओ बचाओ। काजल की आवाज़ सुनकर हरिया और तुलसी के साथ और भी गांव वाले कुएं के पास आए और काजल को कुएं से बाहर निकाला। काजल बेटा, तुम कुएं में कैसे गिर गई और इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए थे? फिर काजल ने डरते हुए कहा, आंटी मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ लालसा का सुनहरा गाउन चुराने आई थी। जैसे ही मैंने उस गाउन को छुआ, अचानक से मैं कुएं में गिर गई। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, मुझे माफ कर दो आंटी। तुलसी और हरिया अब समझ गए कि वाकई वो कुआं जादुई है और लालसा का वो गाउन उसी कुएं से निकला है। काजल भी अपने घर चले गए। उसे भी समझ आ गया था कि वो गाउन कोई साधारण गाउन नहीं बल्कि कोई जादुई गाउन है। उस दिन के बाद से काजल ने कभी लालसा के उस गाउन पर नजर तक नहीं डाली और लालसा अपने जादुई सुनहरे गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगी।